हेलो गाइस, मैं हूँ ब्रज वर्मा और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक और इंटरेस्टिंग असाइनमेंट। इंटरेस्टिंग असाइनमेंट क्या है, यहाँ पर मैंने एक बनाया है फॉर्म, फॉर्म फिलअप करने का, जिससे एक लिस्ट बन जाती है जब आप उसे फिल करते हो। तो उसके बाद उसमें ऑप्शन है बुक मार्क में ऐड करने का और बुक मार्क से हटाने का, डिलीट करने का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, को दिखाता हूँ। इट इज द कोड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो द आउटपुट। सो दिस इज द आउटपुट। तो ये क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था, जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ यश वर्मा, एंड ईमेल लिखता हूँ यश वर्मा @gmail.com। FSD यानी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट, यहाँ पर ऑप्शन है। बैकएंड सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पर उसकी सैलरी सिलेक्ट करता हूँ 23 LPA लाइक। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट निकलेगी जब आप जॉब अप्लाइड पर क्लिक करोगे। तो जब आप इसे रिफ्रेश करोगे, वैसे यहाँ पर आ गया है एक्चुअली यश वर्मा। यश वर्मा, ये जो बैकएंड अपन ने सिलेक्ट किया था, 23 LPA सैलरी एक्सपेक्टेड। बुक मार्क में हम ऐड करते हैं यश वर्मा, दिख रहा है यश वर्मा, लेकिन अगर मैं हटा देता हूँ तो हट गया, देखो यश वर्मा डिलीट भी हो जाता है। एंड अगर हम लोग ऐड करते हैं, लाइक शिवा को ऐड करते हैं, यहाँ पर दो शिवा है, अनिकेत को ऐड कर लेते हैं एंड वासु को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि दो शिवा ऐड हो गए थे, मैंने आपको बताया था। एक हटा देते हैं, शिवा अनिकेत वासु बुक मार्क में ऐड है। सो आप यहाँ पर जाते हो। तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन है, यहाँ पर लिस्ट बन जाती है जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं, और इनमें से आपको कोई अच्छा लगता है या कोई कोई ऐसे आप अलग रखना चाहते हो किसी को, तो बुक मार्क में रखने का ऑप्शन होता है। तो ये कैसे ऐड किया जाता है, ये सब बुक मार्क में से डिलीट करने का भी ऑप्शन है, तो ये बनाया है। कैसा लगा असाइनमेंट दिखाना, बताना मुझे। मैंने वैसे इसके लिए ना, मैंने एक नेटलीफाई लिंक, नेटलीफाई लिंक भी बनाई है, आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके, आप भी ट्राई करना कि कैसा क्या बना है। दिस इज द लिंक। सो यहाँ पर ये पूरा खाली मिलेगा जब आप देखोगे, और ये तो मैंने भर दिया था। ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया था इस ब्राउजर पे, इसलिए इसमें ना लोकल स्टोरेज में सेव है। यहाँ पर आप फिर कुछ भी, जितने भी नाम सेव करोगे, यहाँ पर लिस्ट में आपको दिखाएगा, और बुक मार्क में ऐड करने पर बुक मार्क में भी दिखाएगा, और यहाँ से आप उन्हें बुक मार्क से डिलीट कर सकते हो। लेकिन ये ना थोड़ा कंपेटेबल, मैंने ना लाइक फोन के लिए कंपेटेबल नहीं बनाया है। ये डेस्कटॉप में आप चलाओगे, अगर रन करके देखना चाहते हो देख लेना इसको, लेकिन डेस्कटॉप में देखना। डेस्कटॉप के लिए बनाया है, तो थोड़ा साइज सही नहीं आएगा अगर ऐसे आप देखोगे, फोन में चला के देखोगे तो। तो कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग असाइनमेंट, आपको थोड़ा सा कोडिंग से ना रूबरू करवा देता हूँ कि कैसे क्या क्या है इसको। यहाँ पर HTML CSS उन्होंने करके दिया था पूरा, सिर्फ यहाँ पर काम था जावास्क्रिप्ट का। उन्हें पता है, उन्होंने सिखा दिया HTML CSS, हमें पता है, तो हम HTML CSS तो इजीली बना देंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि HTML CSS को बना दिया है, बोले अब एक काम करो, आप जावास्क्रिप्ट पे पूरा काम करो। तो जावा, ये यहाँ पर ना टी बॉडी, टेबल की बॉडी बना दी है, और बोले अंदर जो टेबल की रो ना आप जावास्क्रिप्ट में बनाओ, यहाँ पर आप HTML CSS में आए बिना ही इसके अंदर काम करना है। तो लाइक ये कौन सा, ये है अप्लाइड पेज, इंडेक्स से शुरू करते हैं इंडेक्स। तो यहाँ से मैंने कोडिंग की है, ये जावास्क्रिप्ट की। इस पेज में तो ये फॉर्म, फॉर्म के अंदर मैंने ना लोकल स्टोरेज में सेव किया है, ये जॉब एरे है। तो मैंने जो नेम रहेगा, जो इनपुट में आएगा उसकी वैल्यू, ये सबको ना ऐसे सैलरी की वैल्यू जो इनपुट में लिखेंगे इक्वल्स टू सैलरी, एंड उन्हें एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया है, और ऑब्जेक्ट को मैंने पुश कर दिया है जॉब एरे में, और जॉब एरे को सेट कर दिया है स्ट्रिंगिफाई करने के बाद। स्ट्रिंगिफाई करने से वो एक एरे टाइप हो जाता है। देन फिर यहाँ से, एक यहाँ से हम इसको यहाँ पर सेट एलिमेंट कर दिया है, अब हम दूसरे में जाके लाइक अप्लाइड में जाके इसको गेट एलिमेंट कर देंगे, तो उधर का डेटा यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ लाने के बाद उसे हम टेबल डेटा के फॉर्म में उसे सेव कर देंगे, लाइक वो एक टेबल रो में, टेबल TD के रूप में यहाँ पर हमने सेव कर दिया। इस टाइप से बुक मार्क का ऑप्शन दिया है, उसे रेड कलर दिया है, पॉइंटर कर्सर, लाइक दिस इज, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा ये चीज।
यहाँ पर लोकल में यहाँ पर सेट आइटम कर दिया स्ट्रिंगिफाई करने के बाद बुकमार्क एरे हुआ। फिर यहाँ को रो को ये रो सारी रो बनानी पड़ती है, फिर रो को अपेंड करना पड़ता है। रो में अपेंड कर दिया है इन सब चीजों को। अच्छा सो रो में इन सब टीडी को अपेंड कर दिया है और टेबल की जो बॉडी है उसमें उस रो को अपेंड कर दिया है। तो ये हो गया अप्लाइड पेज। अब कौन सा बचा है? अब बचा है बुकमार्क। बुकमार्क में क्या काम किया है? बुकमार्क में भी आपको आपने देखा होगा कि वहां पर भी ना टेबल रोज बनी हुई है, तो ये सब रो टीडी यहाँ पर भी वैसे अपेंड करने का काम किया, लेकिन यहाँ पर रिमूव करने का एक फंक्शन लगाया है कि आप डिलीट करते हो तो डिलीट हो जाना चाहिए। ये पेरेंट नोड इट से डिलीट होता है और ये बुकमार्क स्प्लैश आई वन यानी कि एक बार में एक डिलीट होगा, इसका ये मतलब होता है। लोकल स्टोरेज सेट आइटम यानी कि आप डिलीट कर दोगे फिर रिफ्रेश करोगे तो डिलीट नहीं होता है, वापस आ जाता है। तो इसके लिए ये लोकल स्टोरेज सेट आइटम बुकमार्क्स जेसोन स्ट्रिंगिफाई बुकमार्क है, यानी कि जब हम डिलीट करते हैं और एक बार में एक ही होगा और होगा तो वो ना फिर सेट कर देगा कि ये डिलीट कर दिया अब इसको सेट कर दो इतने ही बचे। तो रिफ्रेश करने पर भी वही आएगा, डिलीट करने वाला वापस नहीं आएगा, इसलिए ये सब क्या है। ये कोड था। यहाँ पर सारे पेजेस को यहाँ पर एक से एक दूसरे से लिंक किया है। डिव में एंकर टेक यूज किया है एक दूसरे पेज को लिंक करने के लिए। गाइज कैसी लगी? आ कैसा लगा आपको ये असाइनमेंट? डिस्क्रिप्शन में बताना, सॉरी कमेंट करके बताना कि कैसा क्या लगा आपको। एंड अगर आपकी क्वेरी है तो आप ना कमेंट करते हो तो कमेंट करने से अच्छा है अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यूजर नेम दिया हुआ है, तो वहां पर यानी कि आप कमेंट करते हो, पूछते हो, फिर मैं आंसर देता हूँ, फिर आप कुछ पूछते हो तो बहुत लंबा हो जाता है वो, और वहां पर मैं मतलब बार बार देख भी नहीं पाता हूँ। तो आप ना इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका आंसर दूंगा। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट, आई विल आंसर यू एज सून एज इट विल बी पॉसिबल। थैंक यू।